और महिलाओं के मामले में और जाति के मामले में शायद सबसे ज्यादा ये दिखता है। लेकिन इस काम को किसने किया? इस काम को इस देश के आंदोलनों ने किया, महिला आंदोलन ने किया, दलित आंदोलन ने किया, तमाम मजदूर आंदोलनों ने, किसान आंदोलनों ने इस काम को जरूर किया। लेकिन आप समझिए कि जो वो उपजाऊ जमीन किसके लिए अभी भी बना हुआ है, कुछ हद तक अगर हम देखें, बड़े हद तक, तो वो एक तरह से एक संघ परिवार के लिए, फाशीवादी विचारधारा के लिए एक संभावना तो थी इस जमीन में। क्यों? क्योंकि एक तरह से एक एरार्की वाली, यानी ऊंच नीच वाला समाज जो उसमें बहुत रिजिडली बटा हुआ है जाति के आधार पर भी, और महिलाओं की अपनी स्वायत्तता, अपनी निजता, अपनी आजादी पर जबरदस्त पाबंदियां, जो अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा भी देखते हैं तो देखते हैं कि बड़ा हिस्सा, लगभग आधा आधी आबादी महिलाओं की, कहीं कहीं ज्यादा भी, उनको मतलब घर से बाहर किसी साधारण चीज के लिए निकलने के लिए भी किसी की परमिशन लेके निकलनी पड़ती है। बहुत साधारण बात मैं बोल रही हूँ, और इसको लेकर के एक जबरदस्त सोसाइटी में एंग्जाइटी की एक भय कि हमारी बेटी जो है वो सही जाति में, सही धर्म में शादी नहीं करेगी तो क्या होगा। ठीक, कुल मिलाकर के ये जो एक सोशल एक ग्राउंड है, उसमें आप दो तरह से रह सकते हैं, या तो आप उससे जूझ सकते हैं, या तो आप उससे लड़ सकते हैं, उसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं, या तो आप उल्टा कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि यही देश की संस्कृति है। और संघ परिवार, मैं संघ परिवार को बाकी तमाम पार्टियों से अलग इसलिए बता रही हूँ, और जो चैप्टर मैंने लिखा इस किताब के लिए उसमें भी इस पर जोर है कि संघ परिवार की विचारधारा बिल्कुल अन्य जितनी पार्टियां हैं हमारे देश में उससे बिल्कुल भिन्न है। बाकियों में बहुत आपने देखेगा कि प्रैग्मेटिक तरीके से वो पितृसत्ता का कहीं मदद लेते हैं, तमाम चीजों का मदद लेते हैं, लेकिन संघ परिवार के लिए दरअसल वो जिस तरह के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसमें महिलाओं की स्वायत्तता, आजादी की कोई जगह नहीं है, उनके अधिकारों की कोई जगह नहीं है, और ये उनका विजन है, ये वो चाहते हैं। इसलिए वो, आप देखेंगे कि राम माधव अगर 15 अगस्त के दिन लेख लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो कहते हैं कि जितनी चीजों से हम लड़ना चाहते हैं उसमें वो जाति का भी नाम गिनते हैं और पितृसत्तात्मक तमाम प्रैक्टिसेस को, वो कहते हैं ये जीनियस ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हमारे देश में अब दो तरह की चीजें, जैसे बलात्कार को लेकर के, बलात्कार तो पहले भी होते रहे, सबसे बड़ा आंदोलन बलात्कार के खिलाफ शायद 2012-13 में हुआ जहां कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, तो सरकारें तो जुटती रही उनके खिलाफ हुआ, लेकिन मुझे लगता है पहली बार ये दिख रहा है कि बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में जुलूस निकल रहे हो और उसमें चुने हुए प्रतिनिधि उसका नेतृत्व कर रहे हो और खुलेआम कह रहे हो कि इसको हम करेंगे। इसको हम कैसे समझे? मैं तो इसको समझती हूँ उसी चीज के बगल। मुझे लगता है अगर मोदी सरकार की तीन अगर डिफाइनिंग इमेजेस है, और इसलिए मैं महिला वाली बात से थोड़ा सा हटके भी बोलूंगी क्योंकि मुझे लगता है ये तीनों इमेजेस कैसे एक दूसरे से जुड़ती। एक है कठुआ में वो भाजपा के नेता जो जुलूस का लीड कर रहे हैं और उसमें राष्ट्र का झंडा, तिरंगे झंडे को फहरा करके बलात्कारियों के बचाव में जुलूस निकाल रहे हैं, एक। नंबर टू, हापुड़ में जहां पर लिंचिंग हुई हो, लिंचिंग के विक्टिम को ट्रॉफी की तरह घसीटती हुई भीड़ ले जा रही है और उसके ठीक सामने में पुलिस वाले खड़े हैं और वो उसको लीड कर रहे हैं, वो आराम से अपना फोन देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बड़े कैजुअल तरीके से उसको लीड कर रहे हैं। और तीसरा इमेज वो जहां पर एक केंद्रीय मंत्री वो लिंचर्स के बगल में उनको माला पहना करके उनको मिठाई खिला रहे हो और बड़े गर्व से उनके साथ में फोटो खिंचवा रहे हो। ये तीनों चीजें कैसे जुड़ती हैं जाकर के, और उनका क्या इम्प्लीकेशन है महिलाओं के लिए? क्योंकि एक तरफ तो बलात्कारियों के बचाव में बहुत कुछ हो रहा है, मैंने गिनाया है कि ये वो उस चैप्टर में पढ़िएगा, वो एक घटना, एक कठुआ नहीं है, ये लंबी फहरिस्त है ऐसी घटनाओं की जहां भाजपा ने ऐसा किया है। ये प्रॉब्लमैटिक है, ये प्रैग्मैटिक नहीं है। एक और चीज लेके मैं कहूंगी कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से महिलाओं की स्वायत्तता पर हमले, जहां पर कोबरा पोस्ट की उस स्टिंग जिसके बारे में कहीं कोई बातचीत नहीं होती, वो भी इस चैप्टर में आपको डिटेल में मिलेगा, जहां पर कोबरा पोस्ट की स्टिंग है कि कैसे भाजपा संघ का पूरा नेटवर्क पूरे देश में, इंटरफेथ जो भी शादियां होती है
कोई हिंदू लड़की को प्यार हो जाता है किसी मुस्लिम से, वो शादी करती है, वो कैसे नजर रख के तमाम रिश्तों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। यानी देश जोड़, प्यार से देश जुड़ सकता है, प्यार से देश जोड़ने की जहां जहां कोई घटना हो रही हो कहां तोड़ने पहुंच जाए, और उसके बहाने लिंचिंग करने की, उसके बहाने उस लड़की पर हमला करने की, हिंसा करने की, उसको पीट पीट पर पीट पीट कर कबुलवाने की कोशिश है। तो ये तो ठीक है कि हमारी सोसाइटी में हो सकता है कि माता पिता आज भी घरों में अपनी बेटी की पूरी आजादी को लेकर के, वो उसकी चॉइसेस को लेकर के एक तनाव रहता है, एक एंजाइटी रहती है, लेकिन उसको बदलने के बजाय, उनको कॉन्फिडेंस देने के बजाय कि नहीं आप अपनी बेटी की स्वायत्ता के साथ खड़ी रहिए, ये उल्टा भय पैदा करना कि आपको मुसलमान से डरना है, आपको दलित से डरना है, और आपको अपनी बेटी को, ये जो बेटी बचाओ किससे बचाओ, बेटी को अपनी आजादी से बचाओ, बेटी को किससे बचाओ, बेटी को अपनी स्वायत्ता से बचाओ, इसमें ये लगे हुए। और इसके साथ साथ जितने जगह इनको पैसे डालने चाहिए थे, बजट की कितना खर्चा आप महिलाओं पर कर रहे हैं उसमें देखिए तो हर जगह जबरदस्त कटौती बजट में भी और कानूनों में भी। महिलाओं के लेबर लॉज जितने हैं, जो महिलाओं के, महिला मजदूरों के पक्ष में हो सकते हैं, उनको खत्म कर दो। निर्भया फंड का कोई खर्च मत करो। जो ICDS के लिए खर्चा है उस पर जबरदस्त स्लैशिंग करो ताकि वो पूरे आंगनवाड़ी प्रोग्राम से खत्म हो जाए। आशा आंगनवाड़ी मजदूर मांग रहे हैं कि भाई आप हमको कोई रिकग्निशन दीजिए, हमारे लिए बजट बढ़ाइए, वो खत्म कर दीजिए। और किस चीज को करिए, मौत की सजा दे देते हैं। तो एक तरफ आप बलात्कारी के पक्ष में जुलूस निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अरे हम तो मौत की सजा के पक्ष में। इनसे पूछिए कि भाई सबको न्याय मिल सके हर महिला को, इसके लिए आपको खर्चा बढ़ाना होगा कि जजों की और कोर्ट्स की संख्या बढ़ाइए। वहां तो बिल्कुल मतलब एक पाई नहीं खर्च करना है, वहां पे वहां सारी वहां कटौती करते रहिए और बस यही चीजें करिए। उज्ज्वला योजना के नाम पर आप गैस का सिलेंडर दे तो दीजिए, लेकिन गैस का दाम इतना बढ़ेगा कि महिलाएं जो हैं वो गैस खरीद करके उसका इस्तेमाल कर पाएंगी, ये नहीं कर पाए। और आप कहेंगे कि आप माँ की, माँ देश की महिलाओं के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। डिटेल्स बहुत सारे हैं, चैप्टर में जरूर पढ़िएगा। मैं बस अंत इस बारे में कहूंगी कि इससे कैसे लड़ा जाए, क्योंकि एक तरफ ये महिलाओं के नाम पर ही हिंसा कर रहे हैं, महिलाओं के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम तो महिलाओं के पक्ष में हैं इसलिए हम लव जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, महिलाओं के पक्ष में हैं इसीलिए हम ट्रिपल तलाक के नाम पर, ट्रिपल तलाक को खत्म करने का काम तो महिला आंदोलन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन उसका ये कह रहे हैं कि उसके नाम पर ऐसा कानून बनाएंगे जिससे फिर मुसलमान जो मर्द हैं उनके, उनको जेल में डालने का प्रावधान एक और मिल जाए। लव जिहाद से बचाने के नाम पर दंगा करवाएंगे, और हम महिलाओं के नाम पर, मैंने भारत माता की जय और वंदे मातरम, इनको आप हथियार बना करके हम और लोगों को पीटने का काम करेंगे। उस भारत माता या वंदे मातरम में जो असली मैंने लिविंग मदर्स हैं, लिविंग विमेन हैं इस देश में, लिविंग डॉटर्स हैं, वो जो लिविंग एक्चुअल लोग हैं जो अधिकार मांग रहे हैं, आजादी और बराबरी मांग रहे हैं, उसके पूरे खिलाफ एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने की कोशिशें हो रही हैं जिसमें सचमुच में मनुस्मृति संविधान होगा, देश का संविधान संविधान नहीं होगा, मनुस्मृति को वो संविधान बनाएंगे। मनुस्मृति क्या महिलाओं और दलितों के लिए कहता है ये हम सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जरूर पढ़ें, जान लें, क्योंकि ये कल, यही कल आ रहा है अगर हमने इसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। We'll be right back.